फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। गार्डन ओवरव्यू में हमने एक आम का पेड़ शेयर किया था जिसपे 5 आम आए हुए थे। क्योंकि बंदर ज़्यादा हैं इसीलिए कम फल आ पाते हैं, वो शुरू में ही उनको तोड़ जाते हैं। तो 5 में से 3 आम हमने तोड़ लिए थे और 2 लगे रहने दिए थे, लेकिन आज बंदर आए और उन 2 आमों को भी तोड़कर चले गए, जो कि आधा खाया है और आधा वहीं फेंक कर वो चले गए हैं। लेकिन ये 3 आम हमने पहले ही तोड़ लिए थे और आपसे इंस्टाग्राम पर शेयर भी किए थे। तो ये दशहरी वैरायटी है जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है आम में। तो ये पेड़ हमने बीज से ही उगाया था, लगभग 10 साल का पेड़ हो चुका है ये, और 6-7 साल पे इसने फल देना शुरू कर दिया था, लेकिन बंदर शुरू में ही इसको तोड़ जाते थे। तो फर्स्ट टाइम ये हमें फल मिल पाए हैं जो कि बहुत अच्छी है। ये कच्ची कैरी है, कच्चा आम है। तो आप भी इस तरह के फल ज़रूर उगाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले या ना मिले, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी को उसके फल का आनंद ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आप भी जो घर पे फल आया करें उनके सीड्स ज़रूर ग्रो कीजिए और कहीं अच्छी जगह पर उसको लगा दीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम अमेरिलिस के सीड्स आपसे शेयर करेंगे, यानी अमेरिलिस जो कि रेड वाली अमेरिलिस लिली है, इनके सीड्स आज हम कलेक्ट करेंगे। इस पर एक हमने वाइट जो अमेरिलिस थी, एम्बियंस अमेरिलिस लिली, उसके सीड्स भी कलेक्ट करना आपसे शेयर किया हुआ है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर चेक कीजिए। तो ये रेड वाली लिली है जिसपे अगर बल्ब हेल्दी होगा तो आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी, और अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी तो उसपे सीड पॉड भी जरूर बनेगा। जो सीड पॉड होता है उसी में काफी सारे सीड्स होते हैं। तो ये रेड फ्लावरिंग और व्हाइट फ्लावरिंग दोनों हम आपसे शेयर कर चुके हैं अमेरिलिस की फ्लावरिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। ये बहुत ही कम केयर मांगने वाला प्लांट है, पूरे साल ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, लेकिन मार्च अप्रैल में ये फ्लावरिंग करता है। एक फ्लावर स्पाइक आती है और बल्ब हेल्दी है तो 2 फ्लावर स्पाइक भी आ जाती हैं, जैसे कि हमारे एक प्लांट में 2 फ्लावर स्पाइक भी आई हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर फूल के साथ सीड बनेगा ही। तो देखिए, फूल ख़त्म हो चुके हैं और एक फ्लावर स्पाइक में छोटा सा सीड पॉड बना है, तो उसमें तो शायद सीड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इस तरह का जो बड़ा सीड पॉड होता है उसी में ही अच्छे सीड्स बन पाते हैं। रेन लिली होती है, उसके सीड्स भी ऐसे ही होते हैं, बस वो छोटे होते हैं, जो कि रेन लिली के सीड्स कलेक्ट करने पर भी वीडियो शेयर की हुई है। तो ये है अमेरिलिस लिली, जो कि नीचे से जो फ्लावर स्पाइक आई थी उसमें फूल खिले, और हर फूल में देखिए सीड नहीं बना है, केवल एक फ्लावर में ही सीड बना है। तो इस तरह का ये पहले ग्रीन कलर का होता है। पूरी वीडियो आप वाइट अमेरिलिस के सीड्स में जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने केवल ये सीड्स कलेक्ट करना ही आपसे शेयर किया है। तो इस तरह से ये अपने आप खुल जाता है, टाइम से कलेक्ट कीजिए, नहीं तो हवा से ये सीड्स उड़ जाएंगे और इधर उधर फिर दूर तक ये बिखरते फिरते हैं। इसीलिए आप टाइम से इसको कलेक्ट कीजिए, और आप उठाकर इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं पॉट को कुछ दिन के लिए, जैसे सीड्स बनने वाला हो तो आप इसको घर में रख सकते हैं। तब इसको सनलाइट की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, बस ब्राइट लाइट में रखिए। तो इसको हमने घर में अंदर रखा हुआ था क्योंकि बंदर अगर सीड पॉट इसका देख लेते तो वो उसको तोड़कर चले जाते, तो सीड्स भी नहीं मिलते। तो शुरू में एक ग्रीन होता है और जब सीड्स बन जाते हैं ये ब्राउन होकर अपने आप खुल जाता है, और इस तरह से ये खाली हो जाता है। तो बहुत पेपर सीड जैसे इसके सीड्स होते हैं, जैसे पेपर के सीड्स हों, तो ये खाली हो चुका है। तो ये स्टिक आप नीचे से कट कर दीजिए। तो ये एक और सीड पॉड है इसमें, लेकिन इसमें हेल्दी सीड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि हेल्दी सीड जो होते हैं वो बड़े सीड पॉड में ही बन पाते हैं। तो इस तरह से ये सीड्स हैं बहुत हल्के होते हैं, उड़ जाते हैं हवा में। इसके अंदर एक छोटा सा सीड होता है, लेकिन इसको खोलना नहीं है, इसको ऐसा का ऐसा ही रखना है, और 10-15 दिन इसको खुले ठंडी जगह पर, यानी कि धूप में नहीं रखना है, खुली जगह पर रखिए। किसी आप बाउल में रख सकते हैं, पेपर में रख सकते हैं, बस बंद नहीं करना है, और 10-15 दिन के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो इसमें फंगस लग जाएगी अगर आप इसको तुरंत किसी पैकेट में बंद कर देंगे। तो 10-15 दिन इसको खुला रखा रहने दीजिए, उसके बाद आप इसको किसी भी पैकेट में, पेपर पैकेट में या किसी पॉली बैग में आप इसको रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।